ठीक है बच्चों, हम लोग यहाँ पे चर्चा स्टार्ट करते हैं। आपका डिस्कशन एक्सरसाइज 14 का चल रहा था, तो एक्सरसाइज 14 के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो अभी मैं आपको करके दिखाने जा रहा हूँ। तो अभी हम लोग जो क्वेश्चंस करेंगे वो क्वेश्चंस होंगे बेसिकली हम लोग के क्वेश्चंस 16, क्वेश्चन नंबर 16। तो जो क्वेश्चन नंबर 16 है उसके सारे पार्ट हम लोग एक एक करके डिस्कस करते चले जाएंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के साथ। ठीक है बच्चों, सबसे पहले देखिए हमारे पास है फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, तो बच्चों मैं आपका साथ जो डिस्कशन कर रहा हूँ वो क्वेश्चन 16 के सारे पार्ट करूंगा। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 16 एंड एक्सरसाइज 14। ठीक है, तो मैं इसके सारे पार्ट अभी आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ, तो आप उसको सिर्फ ध्यानपूर्वक देखिए। ठीक, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बच्चों, अगर आप इस क्वेश्चन को करना चाहते हैं तो इस क्वेश्चन को करने के लिए मैंने आपको एक छोटी सी ट्रिक बताई थी। मैंने बताई थी अगर मॉड एक्स इज इक्वल टू ए होता है तो आप एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस ए लिखते जरूर हो, लेकिन जब ए क्या होता है, पॉजिटिव होता है, यानी जीरो से बड़ा होता है। तो बच्चों ये मॉड एक्स इज इक्वल टू ए टाइप का है, लेकिन हमें ये नहीं पता है कि ए पॉजिटिव है कि निगेटिव है। तो सबसे पहले अगर आप किसी का भी मॉड इक्वल टू प्लस माइनस ए लिखते भी हो तो ए आपका क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो यहाँ पर बच्चों ए की जगह क्या है, टू एक्स, तो टू एक्स को क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। इसका मतलब बच्चों यहाँ पे जो एक्स होगा वो कैसा होना चाहिए, जीरो से इंफिनिटी। क्या होना चाहिए, जीरो से इंफिनिटी। ये बात सबको समझ में आ गई। चलिए, तो बच्चों जो आप अगर आप आंसर निकालते हो अगर वो जीरो से इंफिनिटी के बीच में लाई करता है तो वही आंसर आप एक्सेप्ट करोगे। लेकिन बच्चों अगर मॉड एक्स इज इक्वल टू ए हो और ए आपका नेगेटिव हो तो वहां पे कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है, तो हम लोग सेकंड केस कोई नहीं बनाएंगे, इसी केस से प्लस और माइनस साइन लेकर के आंसर निकालेंगे। जो आंसर जीरो और इन्फिनिटी के बीच में होगा उसी आंसर को हम एक्सेप्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम इसके दोनों आंसर्स निकाल लेते हैं। तो हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, मैंने लिखा एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एट इज इक्वल टू टू एक्स। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस टू एक्स। तो बच्चों माइनस टू एक्स माइनस टू एक्स क्या होता है, माइनस फोर एक्स होता है, माइनस एट इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, समझ में आ गया। अब बच्चों ध्यान से देखो, क्या आप इसको सॉल्यूशन वाइज निकालोगे कैसे, जरा आप इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालो बच्चों। क्या आ रहा है, डिस्क्रिमिनेंट होता है बी स्क्वायर माइनस फोर ए एंड सी। बच्चों कितना आ गया, ये आ गया 16 प्लस 13, ये आ गया बच्चों 48। यानी कि अगर हम इसके रूट्स निकालेंगे तो फैक्टराइज तो हो नहीं रहा है, तो धराचार्य का फॉर्मूला लगा देंगे, माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए। ठीक है, और बच्चों हम जानते हैं कि 16 × 3 क्या होता है, 48 होता है। तो 48 को आप लिख देंगे 16 × 3, और 16 को आप 4 करके बाहर निकाल देंगे तो हो जाएगा 4√3/2। तो बच्चों जो आपका सॉल्यूशन आएगा, एक आएगा 4 + 4√3, इसको बच्चों आप सिंपलीफाई कर लीजिए 2 से डिवाइड करके, तो आएगा 2 + −2√3। और दूसरा सॉल्यूशन आएगा एक बार प्लस साइन के साथ और एक बार यहां से क्या आएगा, माइनस साइन, विच इज 2 − 2√3। तो बच्चों अब आप ये चेक कर लो इनमें से कौन सा सॉल्यूशन जीरो से इंफिनिटी के बीच में लाई करता है। तो आप कहोगे ये वाला तो सॉल्यूशन सर 100% करता है, लेकिन अगर 2 में से हम 2√3 माइनस माइनस कर देंगे तो ये वैल्यू नेगेटिव आएगी, तो ये वाला सॉल्यूशन तो सर एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, अब हम दूसरा सॉल्यूशन निकालने के लिए क्या करेंगे, माइनस साइन लेंगे। तो बच्चों जब हम माइनस साइन लेंगे तो ये −2x हो जाएगा, क्या बात समझ में आई। ठीक है, और ये जब −2x हो जाएगा तो ये −2x − 2x से कैंसिल हो जाएगा, ये बात समझ में आई। तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एट इज इक्वल टू जीरो, दैट मीन्स एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट एट। ठीक है बच्चों, माइनस रूट एट वाला तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन प्लस रूट एट यानी कि 2√2 एक सॉल्यूशन आ जाएगा। तो क्या 2√2 जीरो से इंफिनिटी में आता है, बिल्कुल आता है, इसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे। तो बच्चों आपका जो फाइनल आंसर है वो क्या हुआ, फाइनल आंसर, तो कहोगे सर फाइनल आंसर है एक्स इज इक्वल टू 2√2 और 2 + 2√3। तो बच्चों ये आपके 16 क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट का फाइनल आंसर।
जरा हम लोग क्रॉस चेक भी कर लेते हैं कि जो आंसर्स गिवन है वो सही है कि नहीं है, जरा उसको एक बार बच्चों हम लोग क्रॉस चेक कर लेते हैं जरा नेक्स्ट पेज में जाकर के। ये बच्चों 16th क्वेश्चन आपका है, ठीक है 16th क्वेश्चन तक मैं पहुंच जाता हूँ, फिर मैं आपको आंसर्स बताता हूँ उसके आंसर्स कहाँ दिए गए। तो बच्चों आंसर आपका टैली कर रहा है, ये 16th क्वेश्चन के सारे आंसर्स आपके पास दिए हुए हैं, ये टैली भी कर लें। बच्चों मैं एक काम कर रहा हूँ, उसके सारे आंसर्स को क्रॉप करके एक जगह लगा लेता हूँ ताकि इतनी आगे ना आना पड़े, ठीक है। चलिए तो मेरे ख्याल से ये वाला क्वेश्चन तो सभी लोगों को समझ में आ गया 16th वाला, ठीक है। इसके सॉल्यूशन बच्चों मैं क्रॉप करके यहीं पे लगा देता हूँ ताकि आपका टाइम भी वेस्ट ना हो। बच्चों ये इसके सॉल्यूशन है 16th के, ये ठीक है। चलिए अब बच्चों हमारे पास है सेकेंड वाला पार्ट, जरा सेकेंड वाले पार्ट की चर्चा हम स्टार्ट करते हैं। ये आपका सेकेंड वाला पार्ट है, ठीक है बच्चों। सेकेंड पार्ट की तरफ हम आ चुके हैं, इसकी चर्चा हम स्टार्ट करते हैं आपके साथ। सेकेंड वाले पार्ट को सभी बच्चे पहले ढंग से पढ़ लें, फिर मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ 16 क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट। इसको देख करके कहेंगे सर यहाँ पे तो मॉड लगे, तो हमने कहा मॉड लगने से क्या होता है, मैंने आपको दो मॉड सिखाए हैं, यहाँ पे तीन मॉड लगे हैं। अब बच्चों सॉल्यूशन तो आप जानते ही हैं, दो मॉड लगे हो, तीन मॉड लगे हो, मैंने मेथड क्या बताया था कि आप नंबर लाइन को ट्रेस करेंगे, रीजन ब्रेक करके इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्या आएंगे क्रिटिकल पॉइंट, जीरो वन और टू। तो बच्चों जीरो से बड़े एक्स पढ़ेंगे तो मॉड एक्स आपका पॉजिटिव साइन से ओपन होगा, अदरवाइज नेगेटिव साइन से ओपन होगा। फिर वन से बड़े एक्स पढ़ेंगे तो एक्स माइनस वन पॉजिटिव साइन से ओपन होगा, अदरवाइज नेगेटिव साइन से ओपन होगा। फिर टू से बड़े एक्स पढ़ेंगे तो ये वाला मॉड पॉजिटिव साइन से ओपन होगा, अदरवाइज नेगेटिव साइन से ओपन होगा। अब हम क्या करेंगे, इसमें हम सपोर्टिंग लाइन्स बना के रीजन ड्रॉ कर लेंगे। सबसे पहले हम मानेंगे केस ए कि आपका एक्स क्या है, जीरो से छोटा, दैट मींस माइनस इंफिनिटी से जीरो। तो उसमें बच्चों तीनों के मॉड किससे ओपन होंगे, नेगेटिव साइंस। तो बच्चों हम तीनों के मॉड नेगेटिव साइंस से ओपन कर दे रहे हैं, थर्ड वाले में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करें तो हो जाएगा बच्चों माइनस एक्स माइनस टू एक्स प्लस टू प्लस थ्री एक्स माइनस सिक्स इज इक्वल टू फोर। अब बच्चों यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ये प्लस का 3x और ये माइनस का 3x कैंसिल होगा, 2 माइनस 6 क्या होगा, 2 माइनस 6 हुआ माइनस 4 इज इक्वल टू 4। तो क्या बच्चों माइनस 4 कभी 4 के इक्वल होता है, नहीं होता है, इसका मतलब ये रीजन ही कैंसिल हो जाएगा। अगर बच्चों 4 इज इक्वल टू 4 आ जाता तो इसका मतलब इसका आंसर x पे डिपेंड ही नहीं कर रहा। तो मैंने आपको बताया था जब x पे डिपेंड नहीं करता किसी भी x पर 4 इक्वल टू 4 आने लगी कोई भी x डाल लो तो समझ लेना ये इक्वेशन नहीं आइडेंटिटी बन जाती है, तो उस रीजन के सारे एक्सेप्ट हो जाते हैं जो आपने रीजन लिया है। कौन सा रीजन लिया है, माइनस इंफिनिटी से जीरो। तो इस ऐसे केस में अगर 4 इज इक्वल टू 4 आ जाता तो माइनस इंफिनिटी से जीरो के सारे x एक्सेप्ट हो जाते, वो उसका आंसर बन जाता। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, ये 4 इज इक्वल टू 4 नहीं आ रहा, ये माइनस 4 इज इक्वल टू 4 आ रहा, इसलिए यहाँ पे नो सोल्यूशन हो जाएगा। चलिए अब बच्चों हम लोग दूसरा केस लेते हैं, जब x क्या है, जीरो से बड़ा है लेकिन वन से छोटा है। तो x अगर जीरो से बड़ा होगा तो मॉड x किससे खुलेंगे, पॉजिटिव साइन से। बाकी दोनों मॉड किससे खुलेंगे, नेगेटिव साइन से, ठीक है। दूसरा वाला भी मॉड बच्चों नेगेटिव साइन से ओपन हुआ, तीसरा वाला मॉड भी नेगेटिव साइन से ओपन हुआ, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। के बात समझ में आई, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। सॉल्व कर लेते हैं तो x माइनस टू एक्स प्लस टू प्लस थ्री एक्स माइनस सिक्स इज इक्वल टू फोर, ठीक है। चलिए तो बच्चों ये हो गया थ्री एक्स, एक्स माइनस टू एक्स हो गया माइनस एक्स, और टू माइनस सिक्स हो गया माइनस फोर इज इक्वल टू फोर। दैट मीन्स बच्चों यहां से क्या निकल के आया है, जरा सिंप्लीफाई करिए, या टू एक्स इज इक्वल टू एट, दैट मीन्स एक्स इज इक्वल टू फोर। तो बच्चों x इक्वल टू 4 आया तो आप खुद बताइए क्या x इक्वल टू 4 0 से 1 के बीच में आता है, तुम कहोगे नहीं आता है, तो ये भी सॉल्यूशन बच्चों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह से बच्चों आप 1 से 2 के बीच में देखोगे, फिर 2 से 4 के बीच में देखोगे, समझ में आ गया किस तरह से करते हैं। उसके बाद सारे केसेस का यूनियन ले लेंगे। तो बच्चों ये एक मेथड 1 हो गया, लेकिन अगर आप मेथड 2 से करेंगे तो क्वेश्चन तब भी जल्दी हो जाता है,
मेथड टू में मैंने आपको क्या बताया था कि आप ग्राफ बना लोगे, एक बार लेफ्ट हैंड साइड का सेम एक्सेस पे और एक बार वाई इज इक्वल टू फोर का भी उसी सेम एक्सेस पे ग्राफ बना लोगे। वो ग्राफ इसको जितनी जगह इंटरसेक्ट करेगा वही उसके सॉल्यूशंस इंडिकेट करने लगेगा। ये भी मेथड मैंने आपको बताया है। चलिए अब मैं इसका सी केस कर लेता हूँ। सी केस क्या होगा बच्चों, जब एक्स वन से बड़ा है और टू से छोटा है, ठीक है? तो बच्चों मॉड एक्स आपका पॉजिटिव साइन से ओपन होगा, क्लियर है? चेक करते जाइए भाई, मॉड एक्स आपका किससे ओपन होगा? पॉजिटिव साइन से। कहां पे? वन से टू में। एक्स वाला माइनस वन वाला भी मॉड किससे ओपन होगा? पॉजिटिव साइन से। और जो बच्चों तीसरा मॉड है एक्स माइनस टू वाला, क्योंकि उसमें एक्स टू से छोटा है तो उसका मॉड नेगेटिव साइन से ओपन होगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एक्स माइनस टू इज इक्वल टू फोर। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं बच्चों उसको। तो आ गया एक्स प्लस टू एक्स माइनस टू प्लस थ्री एक्स माइनस सिक्स इज इक्वल टू फोर। तो बच्चों ये हो गया थ्री एक्स प्लस एक्स कितना हो गया? फोर एक्स। फोर एक्स प्लस टू एक्स सिक्स एक्स, ठीक है? माइनस एट इज इक्वल टू फोर, यानी सिक्स एक्स इज इक्वल टू ट्वेल्व, दैट मीन्स एक्स इज इक्वल टू टू। तो बच्चों एक्स इज इक्वल टू टू आ रहा है इस सोल्यूशन में? नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आपने बच्चों वन से टू लिया है जिसमें वन इंक्लूडेड है, टू एक्सक्लूडेड है, तो एक्स इक्वल टू टू नहीं आएगा इस सोल्यूशन में। अब हम डी वाला केस बनाते हैं। डी वाले केस में बच्चों क्या देखने के लिए मिलेगा कि वन से टू के बाद, टू के बाद वाला जो रीजन है उसमें तीनों के मॉड पॉजिटिव साइड से ओपन होंगे। तो मैं एज इट इज इसको लिख देता हूं, ठीक है? चलिए, ये कौन से रीजन के लिए बच्चों हम लोग कर रहे हैं? जब x क्या है? दो या दो से बड़ा। x प्लस टू एक्स माइनस टू, ध्यान से देखिएगा, x प्लस टू एक्स माइनस टू माइनस थ्री एक्स प्लस सिक्स इज इक्वल टू फोर, ठीक है? चलिए, टू एक्स प्लस एक्स बच्चों कितना हो गया? थ्री एक्स। तो थ्री एक्स से थ्री एक्स क्या हो गया? कैंसिल, सिक्स माइनस टू फोर, फोर इज इक्वल टू फोर। तो बच्चों फोर इज इक्वल टू माइनस फोर आता तो नो सोल्यूशन होता, लेकिन फोर इज इक्वल टू फोर आने का मतलब ये हुआ कि अगर हम इस वाले स्टेप में या इस वाली इक्वेशन में कोई भी एक्स पुट करें, समझ में आया? कि अगर हम इस वाली इक्वेशन में या इस वाली इक्वेशन में कोई भी एक्स पुट करें, हर बार फोर इज इक्वल टू फोर आएगा। दैट मीन्स ये इक्वेशन हर एक्स के लिए ट्रू हो गई। इसका मतलब इस रीजन के जितने भी एक्स होंगे वो सारे एक्सेप्ट हो जाएंगे। तो उस रीजन में कितने एक्स हैं? दो या दो से बड़े। तो इसका बच्चों फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? कहीं से तो कुछ आया नहीं है, आखिरी सा आंसर आ गया क्या कि एक्स आपका क्या होना चाहिए? दो से बड़ा, मतलब टू से इंफिनिट। तो बच्चों ये आपका फाइनल सॉल्यूशन माना जाएगा, ठीक है? समझ में आ गया। और बच्चों अगर आप चाहो तो उसको आप ग्राफ से भी कर सकते हो। तो बच्चों इसका फाइनल आंसर आ गया टू से इंफिनिट। थर्ड पार्ट, ये बच्चों आपका थर्ड पार्ट हो गया। चलिए थर्ड पार्ट को चेक कर लेते हैं। ये बच्चों थर्ड पार्ट कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले बच्चों आप चेक कर लो कि यहां पर मॉड एक्स प्लस मॉड वाई इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स प्लस वाई जैसा कुछ है। पहले चेक कर लीजिए क्या ऐसा कुछ है? नहीं है। मॉड ऑफ मतलब मैं ये चाहता हूं कि आप चेक कर लो क्या ऐसा कोई रिलेशन बन रहा है। अगर ऐसा बन रहा होगा तो एक्स और वाई ग्रेटर और इक्वल टू जीरो हो जाएंगे। ऐसा कोई रिलेशन हो रहा है तो एक्स और वाई लेस देन इक्वल टू जीरो हो जाएंगे। जरा चेक कर लो ऐसे कोई रिलेशन बन रहा है। तुम कहो सर नहीं बन रहा है। मैंने आपको अलग से कंडीशन भी लगती है, अगर ये कंडीशन यहाँ पे अप्लाई होती तो आप उनको यूज कर सकते थे, लेकिन अप्लाई नहीं हो पा रही है तो उनको यूज नहीं करेंगे। अब आपका जहन जाएगा इसकी तरफ, तो आप कहोगे सर आप थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ा चुके हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा फॉर एवरी एक्स बिलोंग टू रियल नंबर। क्यों? क्योंकि इसका ए पॉजिटिव है और डी भी नेगेटिव है, क्योंकि ये दोनों बातें जब एक साथ होल्ड करती है ये ऑलवेज पॉजिटिव। तो बच्चों जब ये ऑलवेज पॉजिटिव है तो इसमें मॉड का क्या सेंस बनता है? कोई सेंस नहीं बनता। जब ये ऑलवेज पॉजिटिव है तो उसका मॉड किससे ऊपर होगा? पॉजिटिव साइन से। तो इसको आप एज इट इज छोड़ दो, ठीक है? क्योंकि ये ऑलवेज पॉजिटिव है हर एक्स पर, ठीक है? जब ये ऑलवेज पॉजिटिव है तो इसका मॉड किससे खुलेगा? पॉजिटिव साइन से ही खुलेगा हर एक्स के लिए। तो मॉड किस पे बना रहेगा?
2x माइनस 3 पे बना रहेगा। तो इसका मतलब अब आप क्या करोगे, अब आप कहोगे सर हमें 2x माइनस 3 ही साइन डिसाइड करके देगा, तो 2x माइनस 3 क्या कहेगा, वो कहेगा केस ए बना लो, कह दो 2x माइनस 3 पॉजिटिव है, इसका मतलब x क्या है 3 बाई 2 से इंफिनिटी, ठीक है। तो ऐसे केस में मॉड किससे ओपन होगा, पॉजिटिव साइन से ओपन होगा, जब मॉड पॉजिटिव साइन से ओपन होगा तो ये वैल्यू हो गई 4x, ठीक है। तो x स्क्वायर 2x प्लस x कितना हो गया 3x माइनस 4x, ठीक है, 1 माइनस 3 विच इज इक्वल टू माइनस 2 इक्वल टू 0। तो ये बच्चों हो गया x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों अगर आप इसके फैक्टर करेंगे तो ये आएगा माइनस 2 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 0, दैट मींस यहां से बच्चों x क्या आया 2 और माइनस 1। तो बच्चों ध्यान से देखो क्या 3 बाई 2 से इंफिनिटी में मतलब 1.5 से इंफिनिटी में 2 आता है, तो सर आता है, माइनस 1 आता है, नहीं आता, तो माइनस 1 रिजेक्ट हो जाएगा, 2 एक्सेप्ट हो जाएगा। केस ए, केस बी बनो, केस बी में क्या लिखोगे कि 2x माइनस 3 क्या है नेगेटिव है, इसका मतलब x कहां से ओपन होगा माइनस इंफिनिटी से 3 बाई 2, ये बात समझ में। अब बच्चों हम लोग मॉड किससे ओपन करेंगे, नेगेटिव साइन से, चलिए मॉड नेगेटिव साइन से ओपन करेंगे। x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 पे तो चर्चा है ही नहीं क्योंकि वो तो ऑलवेज पॉजिटिव है, जो ऑलवेज पॉजिटिव होता है तो उसका मॉड पॉजिटिव साइन से ही ओपन कर देते हैं, दूसरे वाले का मॉड नेगेटिव साइन से ओपन होगा तो ये हो जाएगा माइनस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 4x। चलिए बच्चों उसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो गया x स्क्वायर x माइनस 2x हो गया माइनस x, 1 प्लस 3 हो गया 4 इज इक्वल टू 4x। अगेन बच्चों अगला स्टेप लिख लेते हैं, तो x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, दैट मींस क्या फैक्टर है बताइए भाई, क्या फैक्टर निकल गया है, माइनस 4 माइनस 1, अगर हम इनका प्रोडक्ट करेंगे तो 4 भी आएगा और फैक्टर करेंगे तो ये आपके फैक्टर हो जाएंगे। तो बच्चों यहां से x की वैल्यू क्या आई 4 और 1, ये दोनों हो सकते हैं। अब अच्छा माइनस इंफिनिटी से 1.5 के बीच में कौन सा x आएगा, तुम कहोगे 1 आएगा लेकिन 4 नहीं आएगा। तो बच्चों यहां से आंसर साथ के 2 निकल के आए, तो फाइनल आंसर मैं आपका लिख रहा हूं, तो फाइनल आंसर इज क्या आएगा x इक्वल टू 1 और 2, ये बच्चों आपका फाइनल आंसर निकल के आया 1 और 2। तो जरा आप इसको चेक कर लीजिएगा 1 और 2, तो बच्चों ये दोनों ही आंसर आपके मैच कर रहे हैं। चलिए फोर्थ वाले पार्ट पे चर्चा करना स्टार्ट करते हैं, ये बच्चों आपका फोर्थ पार्ट हो गया, फोर्थ पार्ट पे हम लोग आ गए हैं। फोर्थ पार्ट पे अभी बच्चों हम लोगों ने चर्चा स्टार्ट की है, जस्ट ये आपका हो गया फोर्थ वाला पार्ट, ठीक है। कैसे करेंगे बच्चों, सबसे पहले आप कहोगे सर 2 की पावर x नाम का जो टर्म है वो तो हम पहली बार देख रहे हैं, कहा पहली बार देख रहे हैं, तो तुम थोड़ी देर के लिए 2 की पावर x को t मान लो, तो ये क्या बन गया t माइनस 1, ठीक है, प्लस t प्लस 1 इज इक्वल टू 2, ठीक है, समझ में। तो बच्चों 2 की पावर x क्या होता है, 2 की पावर x की रेंज मैंने आपसे क्लास में डिस्कस की थी, ऑलवेज पॉजिटिव होता है, दैट मींस 0 से, तो आपने जो t माना है वो 0 से इंफिनिटी के बीच में भी लाई कर रहा है, यानी ऑलवेज पॉजिटिव। अब बच्चों ध्यान से देखो, मैंने आपको ऊपर केसेस बताए थे, तो ऊपर वाले केस में एक केस लग रहा है, कौन सा केस लग रहा है, केस लग रहा है कि मॉड x प्लस मॉड y इज इक्वल टू मॉड के अंदर क्या है बच्चों x माइनस y, इसको बच्चों सॉल्व करोगे तो ये 2 ही आ रहा है, मॉड x प्लस मॉड y इज इक्वल टू मॉड के अंदर x माइनस y हो, तो इसका आंसर क्या होता है x y लेस देन इक्वल टू 0, इसका मतलब x और y अपोजिट साइड के, इसका मतलब बच्चों t माइनस 1 t प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 0, समझ में आया। t की वैल्यू पुट कर दे बच्चों, t क्या है बच्चों, अगर आप t की वैल्यू नहीं पुट करना चाहते हो तो आप डायरेक्टली पहले इसको वेवी कर्व पैटर्न से सॉल्व कर लो, जब वेवी कर्व पैटर्न से सॉल्व करोगे तो t का इंटरवल आएगा, t का इंटरवल आएगा माइनस 1 से 1। इसको आप और क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो कि जो t है वो लाई कर रहा माइनस 1 से 1 इन इक्वेशंस के फॉर्म, ऐसे भी तो लिख सकते हो। अब बच्चों जो t है वो 2 की पावर x है, तो 2 की पावर x लाई करता है माइनस 1 से 1।
अब ये बच्चों डबल इनइक्वालिटी वन कैसे सॉल्व करेंगे? तुमको सर सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड वाली सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, फिर इंटरसेक्शन लेंगे राइट हैंड वाली साइड से। तो हमने कहा बच्चों ये ऑलवेज पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो ऑलवेज पॉजिटिव नेगेटिव से हमेशा बड़ा होता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑल रियल हर एक्स के लिए ट्रू। सेकेंड वाले केस में देखते हैं, टू वन को हम क्या लिख सकते हैं, टू की पावर जीरो, दैट मीन्स एक्स लेस देन इक्वल टू जीरो, यानी कि अगर हम x less than equal to 0 का सारे रियल नंबर से इंटरसेक्शन लेंगे तो आपका फाइनल आंसर क्या आएगा बच्चों? आपका फाइनल आंसर हो जाएगा x belong to minus infinity से 0 to 0। जरा चेक कर लीजिए, minus infinity से 0 आपका फाइनल आंसर, ठीक है बच्चों? फोर्थ पार्ट का आंसर आपका मैच कर, तो बच्चों फोर्थ पार्ट का आपका आंसर तो मैच कर। अब हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं जो आपके दूसरे क्वेश्चन थे। तो दूसरे क्वेश्चन की तरफ आते हैं बच्चों, ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 के पास भी हम आपको सॉल्यूशन सारे लगा के दे देते हैं पहले से ही, ये आपके सॉल्यूशन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पेज नंबर 82 पे, हम यहां से हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। 75 और 82 आपस में सब कनेक्ट है, चलिए ठीक है। 16 की चर्चा चल रही थी, अभी आपने एक क्वेश्चन कंप्लीट किया है, अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंच गए। ये है बच्चों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। इस तरह से करेंगे, आपको ध्यान देना है। सबसे पहले बच्चों किसी की भी पावर अगर 1 है तो उसका बेस भी 1 हो सकता है, क्योंकि बेस अगर 1 हो तो 1 की पावर कुछ भी हो वो 1 ही आएगा, ठीक है। और 1 की पावर अगर मान लो आपने लिख दी 0 तो भी वो 1 आएगा। तो बच्चों यहां से सॉल्यूशन सेट क्या निकल के आ सकता है? सॉल्यूशन सेट ये आ सकता है कि मॉड एक्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 1। 1 को आप क्या लिख सकते हो? मॉड एक्स की पावर 0 लिख सकते हो ना। इसके अलावा आप मॉड एक्स को और क्या लिख सकते हो? मॉड एक्स की जगह 1 भी ले सकते हो, यानी 1 की पावर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 1 की पावर 1। भाई ऐसे भी तो हम लिख सकते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा सभी बच्चे, लिख सकते हैं कि नहीं? क्योंकि 1 की पावर कुछ भी हो उसका रिजल्ट तो 1 ही आएगा। अब 1 की पावर कुछ भी हो तो उसका रिजल्ट तो हमेशा ही 1 आएगा। अब ये पावर है क्या? ये पावर तो बच्चों तब पता पड़ेगी जब आप एक्स स्क्वायर माइनस एक्स टू क्या कर दोगे? इक्वल टू 0 कर दोगे। और एक सॉल्यूशन क्या हो सकता है कि एक्स स्क्वायर, ध्यान से देखिएगा सही बच्चे, ध्यान से करें, पहले इसका सॉल्यूशन सेट निकालिए। तो क्या आएगा? एक्स स्क्वायर, मैं डायरेक्ट फैक्टर लिख देता हूं, जरा इसके डायरेक्ट फैक्टर होंगे इसके, एक्स माइनस टू एक्स प्लस 1 is equal to 0, यानी यहां से सॉल्यूशन सेट आया x equal to 2 और minus 1। तो बच्चों यहां से हमने कौन से केस से आंसर निकाला है? a वाले केस से आंसर निकाला, मैंने डायरेक्टली x square minus x minus 2 को equal to 0 कर दिया। एक सॉल्यूशन सेट तो ये हो सकता है, ठीक है, एक सॉल्यूशन सेट तो आपका ये हो सकता है। जरा सॉल्यूशन सेट को ध्यान से देखिए, होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया कि अभी हमने एक केस से निकालना है 2 और माइनस 1। अब बच्चों हम दूसरे केस की चर्चा क्या कर रहे थे? मैंने कहा था अगर आपका जो बेस है अगर वो 1 हो जाए, दैट मींस x क्या हो जाए? प्लस माइनस 1। x क्या हो जाए? प्लस माइनस 1 हो जाए। तो ऐसे केस में भी अगर आप बेस में माइनस 1 रखोगे तो माइनस 1 का मॉड भी 1 होगा और 1 का मॉड भी 1 होगा। ये बात समझ में आई? और 1 की पावर अगर आप 2 करें या 1 की पावर माइनस 1 करें, आंसर तब भी 1 आएगा। तो इसका मतलब अगर हम इन दोनों सॉल्यूशंस को कंबाइन करें तो आंसर हो सकता है 1, माइनस 1 और 2। यही तीन आंसर हो सकते हैं, इसके अलावा और कोई भी आंसर नहीं हो सकता। जरा अपने आंसर्स को सभी बच्चे क्रॉस वेरीफाई जरूर करिए। आंसर है 1, माइनस 1 एंड 2, ठीक है। आगे बढ़ जाए,
वन माइनस वन इन टू, बच्चों आंसर आपके मैच कर रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सिक्स, तो बच्चों क्वेश्चन नंबर सिक्स की तरफ हम लोग मूव कर गए हैं। क्वेश्चन नंबर सिक्स के बाद हम लोग सारे क्वेश्चन डिस्कस नहीं करेंगे, जो मेन मेन क्वेश्चन है उन्हीं का डिस्कशन करके हम लोग एक्सरसाइज को ओवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर सिक्स, इसको तो सभी बच्चों ने कर लिया होगा, इसमें तो कुछ है ही नहीं। एक मॉड है और एक मॉड की ओपनिंग मेरे ख्याल से सारे बच्चों को क्लियर है कि एक मॉड की ओपनिंग कैसे करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, x प्लस वन को पॉजिटिव मान लेंगे, तो यहां पर आ जाएगा x बिलोंग टू माइनस इंफिनिटी से जीरो, माइनस वन से इंफिनिटी, ठीक है। ये मैंने बच्चों आपको लिख के दे दिया, अब आगे आप खुद से करिए, स्क्रीन को पॉज करके। मॉड बच्चों पॉजिटिव साइन से ओपन हो गया, ठीक है। मॉड बच्चों मैंने किससे ओपन कर दिया, पॉजिटिव साइन, ये कितना हो गया 2x प्लस टू ग्रेटर देन x प्लस फोर, दैट मीन्स 2x माइनस x प्लस टू माइनस फोर ग्रेटर देन जीरो, दैट मीन्स x माइनस टू ग्रेटर देन जीरो, दैट मीन्स x बिलोंग टू टू से इंफिनिटी। तो बच्चों माइनस वन से इंफिनिटी और टू से इंफिनिटी में अगर हम इंटरसेक्शन लेंगे तो आपके पास आंसर क्या निकल करके आएगा, ए वाले केस से क्या निकल के आएगा आंसर, बच्चों जल्दी से बता दीजिएगा, पॉज करिए स्क्रीन को, आंसर सोच के बताइए। माइनस वन से इंफिनिटी का अगर हम टू से इंफिनिटी में इंटरसेक्शन लेंगे तो आंसर क्या आएगा, होगा आंसर तो सर टू से इंफिनिटी आएगा, तो बस लिख दो उसको। केस बी, बी वाला केस क्या कहेगा कि x प्लस वन नेगेटिव, x कहां से बिलोंग करेगा, माइनस इंफिनिटी से वन, तो इसका मॉड बच्चों हम नेगेटिव साइन से ओपन करते हैं, ठीक है। सारे टर्म्स बच्चों कंबाइन कर देंगे, सिंप्लीफाई कर देंगे, माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे और यहां से सॉल्यूशन सेट निकाल देंगे, जो आएगा माइनस इंफिनिटी से माइनस टू। तो बच्चों माइनस इंफिनिटी से माइनस टू और माइनस वन इंफिनिटी से वन अगर हम इनका इंटरसेक्शन लेते हैं तो क्या रीजन आएगा, सोच के बताइए। तो आप कहोगे सर माइनस इंफिनिटी से वन, माइनस इंफिनिटी से माइनस टू का जब हम इंटरसेक्शन लेंगे तो बी पार्ट का जो आंसर आएगा वो आएगा माइनस इंफिनिटी से माइनस टू, ठीक है। तो बच्चों हम फाइनल आंसर लिख दें, फाइनल आंसर लिखने जा रहा हूं, दिस इज माइनस इंफिनिटी से माइनस टू यूनियन टू से इंफिनिटी, ठीक है। तो बच्चों ये आपके सिक्स्थ पार्ट का आंसर होगा, जरा सिक्स्थ पार्ट का आंसर सभी बच्चे चेक करें एक बार। आंसर मैच कर रहा है, ठीक है। तो बच्चों ये आंसर मैच कर रहा है 100%, होपफुली आप समझ गए होंगे। उसके बाद बच्चों हम लोग क्या करते हैं, इसमें एक लास्ट वाला क्वेश्चन है, पहले उसका डिस्कशन कर लेते हैं वरना टाइम ओवर हो जाता है, बाकी बीच के क्वेश्चंस बच्चों आपसे हो जाएंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं है। चलिए ये बच्चों का ये मेन क्वेश्चन है, जरा इसको समझ लीजिए। कैसे करेंगे बच्चों समझिएगा, सबसे पहले बच्चों आपको मॉड नजर आ रहे होंगे, मॉड नजर आने का मतलब सबसे पहले मॉड के अंदर की क्वांटिटीज को हम जीरो करके क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं। तो बच्चों सबसे पहले आपको मॉड x प्लस टू में नजर आ रहा है तो उसको हम जीरो करेंगे तो क्रिटिकल पॉइंट आएगा माइनस टू, लेकिन अगर हमारे पास दूसरा वाला क्रिटिकल पॉइंट है तो उसके अंदर वाले टर्म यानी मॉड के अंदर वाले टर्म को हम जीरो करेंगे तो आपको क्रिटिकल पॉइंट निकालने में दिक्कत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट क्या समझ में आ रहा है माइनस वन। ये क्रिटिकल पॉइंट समझ में आने के बाद फिर तो आपके लिए क्वेश्चन आसान हो गया, क्योंकि एक क्रिटिकल पॉइंट है माइनस टू, एक है माइनस वन। माइनस टू से बड़े एक्स में क्या होगा आप समझ गए, छोटे एक्स में क्या होगा वो भी समझ गए, माइनस वन से बड़े एक्स में क्या होगा आप समझ गए, छोटे एक्स में क्या होगा आप समझ गए, ठीक है। रीजन बना लिए, केसेस डिसाइड कर लिए। केस नंबर ए, एक्स आपका माइनस टू से छोटा है तो दोनों के मॉड नेगेटिव साइन से खुलेंगे, ओपन कर दिए,
ये बच्चों इक्वेशन बन करके आ गई, ठीक है, सबको समझ में आ गया। इसको बच्चों धीरे से सॉल्व करिए जरा, जब आप सॉल्व करेंगे तो ये वाले टर्म्स आप देखेंगे कि ये कैंसिल हो गए। ये हो गया बच्चों 2 की पावर -6 इंटू 2 की पावर -2 इज इक्वल टू 2। यहां तक जरा चेक करिएगा सबको समझ में आ गया। ये हो गया बच्चों 2 की पावर -6, ठीक है, 2 की पावर -2 बच्चों नीचे जाके हो जाएगा 1/2 की पावर 2 विच इज 4, और 4 बच्चों ऊपर जाकर के हो जाएगा 8। ये बात सबको नहीं समझ में आई तो खुद से सिंप्लीफाई कर लीजिए। तो 2 की पावर -6 इज इक्वल टू 2 की पावर 3 हो जाएगा, दैट मीन्स यहाँ से एक्स इज इक्वल टू -3 आ जाएगा। तो बच्चों -3 क्या -2 में से छोटे वाले रीजन में आता है, आता है, तो ये आंसर एक्सेप्ट हो जाएगा। बी वाला रीजन लीजिए, जब बी वाला रीजन लेंगे तो उसमें एक्स -2 से बड़ा है और -1 से छोटा है, तो एक वाला मॉड पॉजिटिव साइन से ओपन होगा यानी कि 2 की पावर x+2 वाला, और एक वाला मॉड नेगेटिव साइन से ही ओपन होगा, ठीक है। ये बात क्या सबको समझ में आ गई, जब नेगेटिव साइन से ओपन होगा तो -(-) हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 की पावर x+1 -1 = 2 की पावर x+1 +1। टर्म्स बच्चों कैंसिल हो जाएंगे, अगेन फिर से ये कि 2 की पावर x * 2 की पावर 2 हो जाएगा। जरा यहाँ पे ध्यान से देखते रहिएगा, किसी को कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। 2 तो 2 की पावर 2 बच्चों क्या होता है, 4 होता है, 2/4 हो जाएगा 1/2, और 1/2 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर -1, इसका मतलब आ गया x = -1। तो बच्चों x = -1 क्या इस रीजन में है, आपको भी नहीं है क्योंकि -1 पे इक्वालिटी नहीं है। सी वाले केस में आएंगे, सी वाला केस आपका क्या होगा कि एक्स आपका क्या है -1 से बड़ा। बच्चों जब आप एक्स को -1 से बड़ा लेंगे तो दोनों के मॉड किससे ओपन होंगे, पॉजिटिव साइन से, तो दोनों के मॉड बच्चों मैंने पॉजिटिव साइन से ओपन कर दिए। ये बच्चों ने जरा ध्यान से देखिएगा, दोनों के मॉड मैंने पॉजिटिव साइन से ओपन किए तो दूसरे वाले में माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो बच्चों इसको जरा सिंप्लीफाई करिए, तो ये 2 की पावर x * 2 की पावर 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा -2 times, क्योंकि 2 की पावर x + 1 2 की पावर x + 1 दो बार है, तो ये हो जाएगा 2 times 2 की पावर x + 1, ठीक है। चाहे आप उसको उधर भी कर सकते हैं या इधर भी कर सकते हैं, आप चाहे तो उधर कर दीजिए क्योंकि ये 1 1 कैंसिल हो जाएगा, ऐसे लिख सकते हैं। अब ध्यान से देखो बच्चों ये क्या रिलेशन आ गया, ये आ गया 2 की पावर x + 2 = 2 की पावर x + 2। तो तुम कहोगे सर ये तो हर एक्स पे 2 होगा, जब बच्चों ये हर एक्स पे 2 होगा क्योंकि LHS = RHS हो गया, तो इस रीजन के सारे x एक्सेप्टेड हो जाएंगे, तो आपका आंसर यहां से क्या निकल के आएगा, x > -1। अब बच्चों को फाइनल आंसर चाहिए, तो फाइनल आंसर क्या होगा, तीनों आंसर्स का यूनियन। ऊपर वाले से क्या है -3, नीचे वाले से क्या है -1 से बड़ा, तो आप क्या लिखोगे x = -1 से ∞, -1 पे क्या होगा बच्चों क्लोज्ड ब्रैकेट, ठीक है, यूनियन। एक बच्चों आंसर आपका और है, वो है -3, उसको मैंने साथ में ले लिया। जरा आंसर अपना चेक करिएगा, -1 से ∞ और -3, ठीक है, -1 से ∞ और -3। तो बच्चों आपका आंसर मैच करना। होपफुली बच्चों आप क्वेश्चंस के करने के पैटर्न को बहुत अच्छे से समझ गए हैं और क्वेश्चंस करने के पैटर्न को सही ढंग से फॉलो कर रहे हैं। अब आप चाहें तो मैं आपको एक दो क्वेश्चन सॉल्व करके दे सकता हूं, अगर आपसे हो सकता है ये वाला क्वेश्चन ना हो 9th वाला, तो मैं 9th वाला आपको करके दे दूंगा। तो 9th वाला क्वेश्चन मैं आपको कॉपी कर दे रहा हूँ, फिर मैं आपको कर देता हूँ, और याद रखिएगा ये वाला क्वेश्चन आप काट दीजिएगा, इसमें थोड़ी सी एरर है, इसको भी आप छोड़ दीजिए। तो 9th क्वेश्चन को हम लोग करना स्टार्ट करते हैं, तो आप रेडी है 9th क्वेश्चन के लिए। ये है बच्चों आपका 9th क्वेश्चन, बहुत बच्चों आसान लग रहा है। सबसे पहले तो बच्चों सबसे पहले इसकी डोमेन डिफाइन कर लो, तो डोमेन बेस्ड क्वेश्चन हो गया, क्योंकि हो सकता है आप एक्स निकाल दो वो डोमेन में ना हो,
तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू को क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। इसके फैक्टर कर लो, यानी बच्चों आंसर क्या आ गया, ये आपकी डोमेन हो गई माइनस इंफिनिटी से माइनस वन यूनियन टू से इंफिनिटी, इसी रीजन में आपको आंसर होगा। अब बच्चों चेक करो, ये तो ऑलवेज पॉजिटिव है, जब ये ऑलवेज पॉजिटिव है तो उसका इनइक्वालिटी पे क्या काम, डिस्कार्ड कर देते ये इनइक्वालिटी में, तो आपका आंसर क्या है, वन से इंफिनिटी। चेक करो जो आंसर है वन से इंफिनिटी, उसका डोमेन से हम क्या लेंगे, इंटरसेक्शन लेंगे। तो जब आप इंटरसेक्शन लोगे तो माइनस इंफिनिटी से माइनस वन तो गया, तो वन से इंफिनिटी और टू से इंफिनिटी में कॉमन रीजन क्या है, तो आप कहोगे सर वन से इंफिनिटी और टू से इंफिनिटी में जो कॉमन रीजन होगा वो टू से इंफिनिटी आएगा, क्योंकि वन से इंफिनिटी में और टू से इंफिनिटी में जो कॉमन रीजन होगा वो क्या आएगा, टू से इंफिनिटी। तो आपका फाइनल आंसर क्या होगा आफ्टर इंटरसेक्शन, एक्स बिलोंग टू टू से। फिर आपने आंसर चेक कर लीजिएगा नाइन्थ वाले पार्ट का आंसर, जरा सुन लो नाइन्थ वाले पार्ट का आंसर जरा चेक कर लीजिए, टू से इंफिनिटी आपका मैच करना है, ठीक है, ये आंसर है आपका नाइन्थ वाला मैच करना है, ठीक है। तो एक्सरसाइज के लगभग बच्चों हमने सारे क्वेश्चंस आपके साथ मेन मेन डिस्कस कर लिए, आपको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, और फिर भी अगर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है तो मैं आपको ये भी क्वेश्चन एक दो जो बचे हैं वो भी डिस्कस करके दे देता हूँ। जो कौन से क्वेश्चन बचे हैं, मेरे ख्याल से दो ही क्वेश्चन बचे हैं, एक है सेवन और एक है एट्थ। तो जो सेवन्थ और एट्थ के एक ही कॉन्सेप्ट है तो मैं आपको डायरेक्टली प्लेस करके दे देता हूँ, बाकी आप सॉल्व खुद से कर लीजिएगा। तो ये है बच्चों आपका सेवन और एट्थ, क्या कॉन्सेप्ट होता है बच्चों उसको सॉल्व करने का, कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। मॉड के अंदर अगर लेस देन ए लिखा हो तो आप क्या करेंगे, उस नंबर को लाई करा देंगे माइनस ए से प्लस ए, ठीक है। उसके बाद आप लेफ्ट हाफ सॉल्व करेंगे, राइट हाफ सॉल्व करेंगे और उसके बाद इंटरसेक्शन लेके फाइनल आंसर निकाल। वही सेम काम बच्चों आपको यहां करना है, एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन माइनस वन से वन के बीच में लाई करेगा। पहले आप लेफ्ट वाला हाफ सॉल्व करेंगे फिर राइट वाला हाफ सॉल्व करेंगे, दोनों को सॉल्व करके इंटरसेक्शन बोलेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। बस बच्चों आपको ध्यान ये देना होगा कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन ऑलवेज पॉजिटिव होता है, तो जब आप इनइक्वालिटीज का फॉर्मेशन करेंगे तो दोनों में ये कॉमन सी चीज आएगी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, इसको आप इनइक्वालिटी से डिस्कार्ड भी कर सकते हैं क्योंकि ये क्या है बच्चों, ऑलवेज पॉजिटिव। ये बात समझ में आ गई, तो बच्चों अगर आप इसको सॉल्व करना चाहें तो आप फर्दर कर सकते हैं। यहाँ की क्लास हम यहाँ पे ओवर करते हैं, थैंक यू।